अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम DLD का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस आउटलाइन है, अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन ऑफ स्विचिंग एक्सप्रेशंस, सेकंड पे है प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन ऑफ स्विचिंग एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन नंबर 1 है। इन एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई करना है बाय यूजिंग रूल्स, बूलियन रूल्स एंड बूलियन लॉज। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 है ए डॉट बी डैश प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। इसको हमने सिंपलीफाई करना है बाय यूजिंग बूलियन लॉज एंड रूल्स। तो फर्स्ट टू जो वेरिएबल्स हैं, इनमें ए कॉमन लें तो रह जाएगा ए इंटू बी डैश प्लस बी डॉट सी। हमारे पास ये रूल है, बी डैश प्लस बी कोई भी वेरिएबल और उसका साथ कंप्लीमेंट, कोई भी इनपुट हो तो साथ उसका कंप्लीमेंट हो, ऐड हो रहे हो तो इक्वल टू 1 होता है। तो बी डैश प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए डॉट 1 प्लस बी डॉट सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी डॉट सी। ये हो गया सिंपलीफाई। सिंपलीफाई हम क्यों करते हैं कि हमें कम से कम जो है वो गेट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़े। ये जो पहले एक्सप्रेशन था, हम 3 गेट यूज़ कर रहे थे, ए डॉट बी डैश में गेट यूज़ कर रहे थे, ए डॉट बी में भी गेट एक यूज़ कर रहे थे, बी डॉट सी में भी एक गेट यूज़ कर रहे थे, और फिर इनको जब सम करना था फिर एक और गेट हमने, यानी 4 गेट हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो हमने सिंपलीफाई एक्सप्रेशन की है ए प्लस बी डॉट सी, इसमें हम ओनली 2 गेट यूज़ करेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें कम से कम जो है वो गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 है ए प्लस ए डॉट बी, ए कॉमन अगर लें तो आ जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे पता चला, बी की वैल्यू पुट करें, पहले 0 पुट करें फिर 1 पुट करें, 1 प्लस 0 भी 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 भी 1 के इक्वल होता है। तो ये भी सिंपलीफाई होगी, एक्सप्रेशन इक्वल टू ए आ जाएगा। थर्ड पे एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो इसमें क्या लगाना है, ये देखें ए इंटू बी प्लस सी है तो इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, इक्वल आएगा ए बी प्लस बी सी, ये ए भी नीचे ले आए, इंटू आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया इधर। तो इसके बाद क्या आएगा, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी होता है, ये बी डॉट बी जगह पे बी लिख लें। फिर क्या किया, ए बी प्लस ए बी, ये दो ए प्लस ए बी प्लस ए बी आ रहे हैं, ये इक्वल होता है ए बी के, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा प्लस बी प्लस बी सी। इसके बाद क्या किया, बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी होता है, ये एंड वाला बी प्लस बी सी इसको इक्वल लिख लें बी के, ए बी प्लस ए सी प्लस बी आ जाएगा। इसके बाद क्या किया, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस ये वाला बी, ये इक्वल होता है बी के, तो बी लिख लें प्लस ए सी साथ रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सिंपलीफाई हो गया। इसमें कितने अब गेट यूज हो रहे हैं, इसमें अब 2 गेट यूज हो रहे हैं, पहले कितने हो रहे थे एक्सप्रेशन में, 1, 2, 3, 4 गेट यूज हो रहे थे। तो गेट्स को हमने रिड्यूस किया, उसको सिंपलीफाई किया बाय यूजिंग बुलियन रूल्स एंड बुलियन लॉज। सेकंड नंबर पे हमारा प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। कैसे हम वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल एंड इवेलुएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ट्रुथ टेबल उसका ड्रा करें और दोनों साइडों को
इक्वल करें। सेकंड पे मैनिपुलेट वन साइड ऑफ द इक्वेशन बाय अप्लाइंग वेरियस रूल्स एंड थ्योरम्स अंटिल इट इज आइडेंटिकल विद अदर साइड। एक तो हम ट्रुथ टेबल से भी इक्वल कर सकते हैं। सेकंड पे हम कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे हमने ऊपर किया, एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हुए उसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कर सकते हैं। तो वही हम अगर एक्सप्रेशन नंबर वन लें, उसका ट्रुथ टेबल ड्रा कर लें। ये देखें, थ्री इनपुट्स हैं ए बी सी, 2 की पावर 3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके बाद एक्सप्रेशन में देखें बी डैश है, तो बी डैश भी कम्प्लीमेंट ले लें बी का। फिर क्या करना है, ए डॉट बी डैश एंड ऑपरेशन लगा दें ए और बी डैश में। फिर क्या करना है, ए डॉट बी लगाना है एंड ऑपरेशन लगा दें ए और बी में। फिर क्या करना है, बी डॉट सी लगाना है एंड ऑपरेशन लगा दें इनपुट बी और सी में। फिर क्या करना है, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है टोटल उसको लिख लें, यानी ए डॉट बी डैश ए डॉट बी और बी डॉट सी तीनों में और ऑपरेशन लगा दें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए प्लस बी सी, ये इनपुट ए है, ए और बी सी, ये बी सी है, इन दोनों में और ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड की है वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है। ये हमने प्रूफ किया वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं और हम सिंप्लीफाई करके भी उसको बाय यूजिंग रूल्स एंड थ्योरम्स जो हमने ऊपर किया सिंप्लीफाई, इससे भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि ये सेकंड एक्सप्रेशन थी, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए ए के। तो हमारे पास टू इनपुट्स हैं ए एंड बी। सेकंड पे हम करेंगे ए डॉट बी एंड ऑपरेशन लगा दे ए और बी में। उसके बाद करना है ए प्लस ए डॉट बी, ये इनपुट्स ए और ए डॉट बी में और ऑपरेशन लगा दें, ये बनेगा 0011। ये इक्वल आना चाहिए किसके, ए के। ये ए है और ये हमारा ए प्लस ए डॉट बी है, ये इक्वल प्रूव हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया बाई ट्रूथ टेबल और बाई रूल्स एंड थ्योरम जो है वो जैसा हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया था उसी तरह हम इक्वल टू ए हम प्रूव कर सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन है, इसका ट्रूथ टेबल देख लें, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है ए प्लस बी डॉट सी। यानी सिंप्लीफाई में, सिंप्लीफाई जब किया था उसका जो आंसर आता था, जो आंसर आता था उसके इक्वल हमने प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, एक्सप्रेशन नंबर 3 है, उसका आंसर क्या आया था, एक्सप्रेशन नंबर 3 का ये आंसर था बी प्लस ए सी। तो हमने इक्वल प्रूव करना है इसको बी प्लस ए सी के, ठीक है, ए प्लस बी सी के, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल पहले देख लें, 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। इसके बाद ए बी एंड ऑपरेशन लगा दें ए और बी में, बी प्लस सी और ऑपरेशन लगा दें ए इंटू बी प्लस सी, ए और बी सी में बी प्लस सी भी निकाल लिया, इनके इनमें एंड ऑपरेशन लगा दें बी इंटू बी प्लस सी, बी और बी प्लस सी में भी एंड ऑपरेशन लगा दें। इसके बाद इन सब को जो लेफ्ट हैंड साइड है टोटल उस सब में और ऑपरेशन लगा दें ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और ऑपरेशन लग गया। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए सी निकाल लें पहले, फिर बी प्लस ए सी निकाल लें, ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है 0011011, राइट हैंड साइड जो है 0011011, ये इक्वल आ गई हैं बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल और बाय यूजिंग लॉज एंड थ्योरम्स, वो भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं।
किसके, बी प्लस ए सी के। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर नंबर, अल्लाह हाफिज़।